आपके घर के जितने सारे प्रॉब्लम का सॉल्यूशन है ये आपका मंदिर ही है। तो मंदिर के ऊपर अगर काम कर रहे तो देखिए आपको इतने बहुत सारे अमेजिंग रिजल्ट मिलने वाले हैं। इसलिए मैं ये मंदिर के संबंधित बहुत सारे आपको 4-5 वीडियो मैंने बताए हैं। नमस्कार दोस्तों, आप मेरे सौर विज्ञान के सारे वीडियो पसंद कर रहे हैं। मंदिर के बारे में मेरे 3-4 वीडियो मैंने आपको बताए हैं। अब एक सवाल आया था कि घर के अंदर हम कौन सा कलर का बल्ब यूज करें। तो देखिए दोस्तों, एक सफेद बल्ब होता है आप यूज कर सकते हैं। अगर आपका मंदिर पूर्व दिशा की ओर है तो आप सफेद रंग का बल्ब यूज कर सकते हैं। अगर आपका मंदिर ईशान्य दिशा के आसपास है तो आप ब्लू कलर या सफेद कलर, ये दो ही कलर आप कोई भी यूज कर सकते हैं। अगर आपका मंदिर उत्तर दिशा की ओर है तो वहां आप ग्रीन कलर का बल्ब यूज कर सकते हैं। तो इस तरह से आपको उसकी ऊर्जा भी मिल जाएगी। इसका याद रखो, ये तो हमने रख दिया, बल्ब रख दिए, ये सब चीजें रख दी, और घर के अंदर एक निरंतर बजने वाला एक मंत्र होना चाहिए जो मार्केट में मिलता है 100-150 रुपए में। एक कोई भी एक मंत्र, कोई भी आपके इष्ट देवत है उसका चैंटिंग उधर होना चाहिए, दिन रात होनी चाहिए। रात के समय भी रख सकते हैं, रात को बंद करना चाहते हैं तो आप रात को बंद कर सकते हैं, पर मैक्सिमली वो रख दीजिए, कम आवाज में रखना है। ऑटोमेटिकली वो घर के अंदर वाइब्रेशन क्रिएट करते हैं, वाइब्रेशन आपके घर के आनी चाहिए। समझो ओम मंत्र के तो ओम के वाइब्रेशन आपके घर के अंदर आते हैं। अगर राम 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 करे तो उधर ओ वाइब्रेशन आपके घर के अंदर आते हैं। तो घर के अंदर मैक्सिमली एनर्जी बढ़ाने का सेंटर पॉइंट जो हमारा होता है वो है हमारा मंदिर। इसलिए मंदिर की दिशा परफेक्ट रखो। समझो अपने ऊपर टेबल के ऊपर रखा है तो खड़े होकर उनकी पूजा नहीं करनी, तो वहाँ बैठने के लिए कुछ तो लीजिए, बैठ कर आपको उसकी पूजा करनी। तुम नीचे बैठे तो नीचे है मंदिर है तो कोई बात नहीं, हम नीचे बैठ के कर रहे हैं, मगर खड़े खड़े पूजा अर्चना नहीं करनी और ज़्यादा से ज़्यादा फोटो नहीं लगानी। आज समझो अपने घर के अंदर मूर्तियाँ लगाइए और आजू बाजू में भी कुछ फोटो लगा रहे, इधर भी लगा रहे उधर भी, सिर्फ आपको घर मंदिर के बाजू में सिर्फ एक ही फोटो लगाने को अलाउड किया है और वो है आपके गुरु का, बाकी कुछ भी रखना नहीं आजू बाजू में। अगर आप दूसरा रख सकते तो यंत्र रख सकते, एक यंत्र का फोटो रहते ना वो आप रख सकते हैं और बाकी कुछ नहीं रख सकते। और मंदिर के ऊपर, दो लोगों के मैं घर में गया हूँ तो उस मंदिर के ऊपर का जो पहाड़ होता है तो बहुत सारा कचरा होता है, अगरबत्ती होती है या कपड़ा होता है जो मंदिर साफ करने के लिए रखते हैं, वो लाल कलर का होना चाहिए और वो साफ सुथरा होना चाहिए। लोग वो इतना कचरा होता है, गंदा होता है, वो साफ सुथरा रखो। अगर आप मंदिर में जो दिया बत्ती कर रहे हैं आपको 2 या 3 आपके पास सेपरेट ला के रखो, एक होने के बाद में दूसरे दिन उसको साफ करके लगाना है तो आप दूसरा साफ किया हुआ लगाओ, वैसे आप लगाना है। डेली के डेली आपको उधर चेंज करना है। मैंने बताया था कि जो कलश में जो पानी रखा था वो पानी आपको रेगुलरली बदलना है। आप वो पानी बाहर फेंकना नहीं, आप बाहर आपके कुछ पेड़ हो गए तो वह पेड़ लगाइए। आपके घर के अंदर तुलसी का एक पेड़ होना ही चाहिए, उसको आप लगाइए, वो पानी आप उधर फेंक सकते हैं। तो मंदिर साफ करने के लिए जो कपड़ा यूज करने वाले, सिर्फ मंदिर का जो हमने जो गंध लगाया है उसको साफ करने के लिए यूज करो, बाकी का साफ करने के लिए दूसरा कपड़ा यूज करो और वो भी साफ सुथरा रखो। वो समझो 2-3 दिन यूज कर रहे तो ठीक है, तो 3 दिन के बाद आपको दूसरा कपड़ा वहाँ यूज करना है। वैसे आप अगर रेगुलरली उसको यूज कर रहे हैं तो आपका मंदिर के अंदर के जो वाइब्रेशंस है वो आपको मिल जाएंगे। अगर वहाँ खराबी करेंगी तो वहाँ से निगेटिविटी पकड़ती है। और मंदिर के ऊपर मैंने बहुत ऐसे भी घर लोगों के देखे कि बहुत सारा बाहर से धूल आती है तो बहुत सारा डस्ट वहाँ जमा होता है, तो ज़्यादा डस्ट वहाँ जमा होना देना है। अगर ऐसा हो रहा है तो वो आप क्रिएट कर रहे हैं, सब निगेटिविटी क्रिएट कर रहे हैं, तो वो निगेटिविटी आपको घर के अंदर नहीं आनी चाहिए।
इसलिए साफ सुथरा होना चाहिए। आपका मंदिर का रिजल्ट मैं बोल रहा हूँ ना, आपके घर के जितने सारे प्रॉब्लम का सॉल्यूशन है ये आपका मंदिर ही है। तो मंदिर के ऊपर अगर काम कर रहे तो देखिए आपको इतने बहुत सारे अमेजिंग रिजल्ट मिलने वाले। इसलिए मैं ये मंदिर के संबंधित बहुत सारे आपको 4-5 वीडियो मैंने बताए है, क्योंकि ये साधारण विषय नहीं है, ये बहुत बड़ा विषय। आप वहाँ उसको यूज करो, सिर्फ लाया है मंदिर रखा है पूजा करने ऐसा नहीं, रेगुलरली आपकी पूजा होनी चाहिए। घर के अंदर समझो लेडी है उसको प्रॉब्लम्स आ रहा है तो क्या करना है, घर पास एक कपड़ा होगा कॉटन का तो मंदिर को ढककर रखना है। उधर आपके मंदिर के अंदर 4 या 5 दिन पूजा अर्चना नहीं होनी चाहिए, कुछ भी नहीं होना चाहिए, क्योंकि क्या होता है कि वो भी आती जाती है तो उसका निगेटिव इफेक्ट उसके ऊपर होता है और ऑटोमेटिकली उसका प्रभाव आपके ऊपर भी निगेटिव होता है। इसके अंदर उसके बेस्ट क्या करना है, उसको बंद करके रखो मंदिर में, बत्ती मत चलाओ या लाइट जलाना है या मंत्र भी नहीं चलाना है, 5 दिन कुछ नहीं करना है। ये सब कर सकते हैं या ऐसा ही करना है, इस तरह से घर में पूरा साफ सुथरा रखना है। उस 5 दिन के अंदर आपको डेली पोछा मारना है, कहते ना कि समुद्री नमक डालकर पूरा साफ करना है घर। और 5 दिन होने के बाद में पूरा मंदिर को बाहर निकालो, साफ सुथरा करो, साफ करो, वापस सभी मंदिर को अंदर रखो, सब जो भगवान है उनको भी अच्छी तरह से स्नान करो, प्लीज उनको साफ करना पड़ता है। तो इधर से उनकी या केमिकल पाउडर मिलते हैं वो यूज मत करो, इमली से आप कर सकते हैं। यहाँ से आपका और से मंदिर के जो मूर्तियां होती है वो डैमेज नहीं होती और उसके अच्छे से अच्छे रिजल्ट आप पाओ, ये मैं आपको ये कहना चाहता हूँ। तो दोस्तों आज के इस वीडियो में इतना ही, तब तक विराम लेता हूँ। थैंक यू वेरी मच।